भाई लोग, क्या हाल है? कैसे सब लोग? तो एसी मिलान की टीम के बारे में थोड़ी सी चोरियाँ करनी थी। मैंने सोचा कि यार तुम लोगों को एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दें। लाइव क्या हूँ मैं इसके लिए। एसी मिलान की टीम तुम्हें पता ही कि सबसे ज़्यादा रियल मैड्रिड के बाद जो है ना, सबसे ज़्यादा यूसीएल के टाइटल जो है ना रियल मैड्रिड के बाद एसी मिलान के पास है। एसी मिलान की टीम ने इस साल चैम्पियन लीग में ना मतलब सबको शॉक करके कर दिया भाई, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एसी मिलान सेमीफाइनल तक थ्रू आउट हो जाएगी और एडवांसिंग इन थ्रू। और यहाँ पे आके उन्होंने खेलना है अपने ही राइवल से, इंटर मिलान से। तो मिलान डार्बी देखने को मिलने वाली है अपन लोगों को। और अगर मैं बात करूँ एसी मिलान के स्टैट्स की ना, इस साल के चैम्पियन लीग के स्टैट्स है ना एसी मिलान के, बहुत इंटरेस्टिंग है। सुनोगे तो अच्छा लगेगा तुम लोगों को। तो 15 गोल्स किए हैं भाई एसी मिलान ने इसमें, जिसमें से 8 गोल कंसीड किए हैं, यानी कि 15 गोल मारने की 1.5 एवरेज है पर मैच की। और 8 गोल कंसीड किए हैं तो 0.8 एवरेज पर मैच किए हैं। 49.1 पोजिशंस रखी हुई है। पासिंग एक्यूरेसी है जो अपने पास रखी हुई है ना, वो 82.6 की है। और बॉल रिकवरी जो है ना 388, टैकलिंग विन जो है मतलब टैकल ही करके जो विन किया है वो है 62। और क्लीन शीट जो है ना भैया, ये है सबसे बेहतरीन चीज़। क्लीन शीट 5 क्लीन शीट रखी हुई है, 35 सेव्स की हुई है इन लोगों ने। तो मिलान ने इतनी अच्छी टीम बना के रखी हुई वीफा चैम्पियंस के लिए, तो मे बी मिलान फाइनल खेले एक और चैम्पियन लीग का और जीते भी। और डिस्टेंट कवरेज अगर मैं बात करूँ तो 1124 है। और अगर मैं बात करूं तो भाई एक रेड कार्ड लिया है, येलो कार्ड 24 येलो कार्ड लें तो मतलब इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है मिलान का। और मिलान ने 5 मैचेस जीते हैं, जिसमें से 3 मैच जो थे ना इन्होंने चैम्पियंस लीग में ड्रॉ किए हैं, तो 2 मैच जो हार रहे हैं। मतलब इतना बुरा स्कोर स्टैट्स नहीं है मिलान का, और अच्छा सेमीफाइनल देखने को मिल सकता है हम फैंस को, फुटबॉल फैंस को। और एक्साइटिंग मैच है, काफ़ी टाइम से ऑफिशियली बड़े चैनल पे मतलब यूएफए चैम्पियन लीग्स में हम लोगों को मिलान डार्बी देखने को नहीं मिली। छोटा था जब था तो जब चीज़ें मैंने देखी थी, हाइलाइट्स वगैरह देखी थी, तो भाई अब जाके वो चीज़ें सामने आएंगी कि मिलान डार्बी में यूएफए चैम्पियन लीग्स की एसी मिलान वर्सेस इंटर। इंटर के बारे में भी थोड़ी सी बेचौनी करते हैं, इंटर के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। और इंटर की टीम किस तरीके से खेलती है, क्या स्टेट है, क्या होने वाला है उनके साथ भी, तो उसके बारे में भी बात करते हैं। चैनल पे तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते वो करो लाजमी। तो भाई इंटर मिलान भी कोई पीछे नहीं है, इंटर मिलान भी बहुत अच्छा चल रही है। इंटर मिलान ने भी भाई स्टेट देखोगे ना तुम लोग भी तो हिल जाओगे। तुम लोग बोलोगे ये क्या चीज़ हो रही है भाई। इंटर मिलान ने 5 मैच जीते हैं, जिसमें 3 ड्रॉ सेम हुई, 2 मैच लूज किए हैं। 16 गोल्स कंसीड किए हैं, ठीक है भाई, और 10 गोल मतलब 16 गोल किए हैं, 10 गोल कंसीड करें मतलब 10 गोल खाएँ। 83.1 पासिंग एक्यूरेसी है, मतलब क्या कमाल के स्टैट्स हैं। और 6 क्लीन शीट है, तो मतलब भाई इंटर मिलान की टीम की बात करूं तो भाई सबसे ज़्यादा जो क्लीन शीट्स है ना एसी मिलान से अगर मैं कंपेयर करूं तो भाई इंटर मिलान ने सेव किया है, 6 क्लीन शीट हैं, 42 सेव्स हैं, जिसके ऊपर से 1 रेड कार्ड है और 21 येलो कार्ड है। तो मतलब इंटर मिलान की टीम यार नो डाउट यार क्या कमाल का मतलब खेल रही है। गोल कीपिंग डिपार्टमेंट में तुम्हें मैंने बताया कि 42 सेव्स हैं और मतलब 6 क्लीन शीट हैं, भाई क्या कमाल के मतलब स्टेट्स हैं इंटर मिलान के। और मज़े का डार्बी देखने को मिलेगी भाई, मज़े की डार्बी होगी, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है हम लोगों को डार्बी देखने का। और इतना सारी चीज़ें हाइप हैं और आज कुछ मैचेस वगैरह भी हैं। और मैंने तुम लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो मैंने एक वीडियो पोस्ट की है रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी और एसी मिलान के, इसके बारे में रिव्यू की, तो वो भी तुम लोग देख सकते हो, मेरे चैनल पे मौजूद है, तो वहाँ पे जाके तुम देख सकते हो क्या होगा। और क्या लगता है तुम लोगों को, एक्सपेक्ट कर रहे हो कौन सी टीम तुम्हें लग रही है फाइनल में जाती हुई, तो मुझे कमेंट्स वगैरह में तुम लोग बताओ। और क्या लग रहा है एसी मिलान वर्सेस इंटर मिलान, क्या इस डार्बी को किस तरह देखते हो, क्या प्रेडिक्ट है? तो अभी से ये वीडियो पोस्ट करूंगा ना तो लोग एक हफ्ते तक पोस्ट करेंगे, देखेंगे भाई क्या होगा क्या होगा। तो
अभी से बताने का मकसद ये है कि भाई तुम लोग, मैच से पहले बहुत पहले बना रहा हूँ, लेकिन ये है कि तुम लोग जब देखोगे तो जब तक मैच करीब होगा तो मुझे तुम लोग कमेंट्स वगैरह में लाजमी बताना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।